हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि रियल नंबर में हमने सर्ड ये टॉपिक वहाँ पे स्टडी किया था, सर्ड क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा था सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सर्ड क्या होता है कि अगर कोई रूट में अगर कोई नंबर है, अगर वो इरेशनल नंबर दे रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, इरेशनल आ रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्ड बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर ऐसा कुछ नंबर है रूट ऑफ 16, ये सर्ड है क्या? नहीं, इसे सर्ड क्यों नहीं बोल सकते हम, क्योंकि अगर इसका कैलकुलेशन करें तो कितना आता है, 4। रूट ऑफ 16 इज 4 एंड 4 इज अ रैशनल नंबर। 4 इज अ रैशनल नंबर क्यों? क्योंकि 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं और p by q के फॉर्म में आता है, तो ये रैशनल नंबर है। 4 क्या है? रैशनल नंबर है। तो ये सर्ड हुआ क्या? नो। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्ड के बारे में कि इज इट सर्ड और नॉट। ऐसे भी आ सकता है कि रूट ऑफ 4 16, ये सर्ड है क्या? ठीक है, अब ये सर्ड है या नहीं है कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑर्डर देखना पड़ेगा, कितना है, 4 ऑर्डर है, तो इसका रूट निकलेगा? नहीं, इसका फोर्थ रूट निकलेगा। कितना निकलेगा? फोर्थ रूट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा 16 को। 16 को फैक्टराइज करेंगे 2 से, 8, फिर से 2, 4, 2, 1। ठीक है, यहाँ पे कितने फैक्टर मिले हमें, 2 × 2 × 2 × 2, तो हम इसे लिख सकते हैं टू द पावर 4, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, ये हो गए उसके फैक्टर। मैंने 16 को क्या किया, फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब हमारा ऑर्डर कितना है, 4, तो मैं 2 को पावर 4 लिख सकता हूँ, बराबर है। कैसे? यहाँ पे 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स, हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। अब ये फोर्थ रूट है और पावर भी 4 है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो बचेगा क्या, 2। क्या बचेगा? 2। तो 2 रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये जो रैशनल नंबर है, तो ये सर्ड हुआ क्या? नो, ये सर्ड नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं जिसका ऑर्डर मोर देन 2 होगा। ठीक है, रूट ऑफ 18, फिफ्थ रूट ऑफ 18, अब ऑर्डर कितना है, 5, फिर से इसके फैक्टर करो, और अगर यहाँ पे 3, 18 मतलब अगर उसके फैक्टर निकालते हैं 18 के फैक्टर निकालते हैं तो किससे जाएगा, 18 मतलब 9 9 जा, ठीक है, 9 9 जा 18, फिर से 9 9 जा 81, तो इसके फैक्टर क्या मिले हमें, इसके फैक्टर क्या मिले, फिफ्थ रूट ऑफ 81। ओके, सो अब फिर से हम 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, और इसके 3 × 3, तो फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, पावर कितना है, ऑर्डर कितना है, 5, और हमारे पास 4, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, ये कैंसिल हो सकते हैं क्या, नहीं, तो ये क्या होगा, हमारा सर्ड होगा। ये क्या होगा, सर्ड, क्योंकि जब इसकी वैल्यू निकलेगी वो इरेशनल नंबर आएगा, ऐसे रैशनल नंबर नहीं आएगा। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सर्ड है और कौन से नहीं है। बाद में हमने देखा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड देखा था कि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइक और सिमिलर सर्ड। आज का हमारा टॉपिक है लाइक एंड सिमिलर सर्ड। ओके, अब लाइक सर्ड और सिमिलर सर्ड क्या होते हैं, द टू सर्ड सेड टू बी अ लाइक और सिमिलर सर्ड व्हेन, जब उनका ऑर्डर और रेडिकेंट सेम हो। इफ द सर्ड सेड टू बी अ सिमिलर और लाइक सर्ड इफ देयर ऑर्डर
एंड देयर रेडिकेंट आर इक्वल। अब ऑर्डर रूट टू और रूट टू ये क्या हुए, सिमिलर सर्ड। वैसे ही थ्री रूट टू एंड फोर रूट टू इनको भी हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर सर्ड। इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसका कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ हमें क्या देखना है, ये वाली चीज़ देखनी है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए और रेडिकेंट सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर और रेडिकेंट सेम हो तो उनको हम सिमिलर सर्ड या लाइक सर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लाइक सर्ड। ठीक है, जैसे हम 2x 3x ऐसे लिखते थे तो हम इसे लाइक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते थे, लाइक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और अनलाइक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसे यहाँ पे हम इसका कोई लेना नहीं देगा, ये कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ हम क्या देखते थे, ये देखते थे और इसका ऑर्डर देखते थे। अगर स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ x है तो ये लाइक एक्सप्रेशन हुए क्या, लाइक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुए क्या, नहीं। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है हमें, यहाँ पे जो 5√3 7√3 तो ये लाइक सर्ड है या नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें क्या देखना है, इसका ऑर्डर सेम है और उसका रेडिकेंट जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे सर्ड को हम क्या बोलेंगे, लाइक सर्ड। क्या बोलेंगे, लाइक सर्ड। तो लाइक सर्ड आपको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल्स गिवन होंगे जो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में दिए होंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिए होंगे, तो उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद क्या करना है, वो लाइक सर्ड है या नहीं डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल √25 and √80। अब इनका डिसाइड करना है कि ये लाइक सर्ड है या फिर नहीं। तो यहाँ से तो हम ऑर्डर सेम है, ठीक है, ऑर्डर आपको टू ही रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना ऑर्डर है, यहाँ का टू ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे देखो रेडिकेंट सेम है क्या, नहीं है, तो लाइक सर्ड है या फिर नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ऑर्डर सेम है लेकिन रेडिकेंट तो सेम ही नहीं है, तो एक लाइक सर्ड नहीं हो सकते। लेकिन लाइक सर्ड है या नहीं ये डिसाइड करने से पहले उस सर्ड को हमें पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको पहला स्टेप क्या है हमारा, द कन्वर्ट सर्ड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब जो सर्ड हमें गिवन है उसका हमें क्या बनाना है, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं, इसके हम फैक्टर निकालते हैं। पहले 45 के फैक्टर निकालेंगे, तो 5 से 5 9 जा, देन 3 3 जा 3 एंड देन 1, ओके ये बने इसके फैक्टर। तो 45 क्या हुआ, 45 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर बना है, 3 का पेयर बना है, 5 का पेयर नहीं बना है, ऑर्डर कितना है हमारा 2, तो हम 2 की पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से एक 3 बाहर निकलेगा, या फिर नेक्स्ट स्टेप भी बढ़ा सकते हो, 3 स्क्वायर इंटू 5। अब स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये 3 क्या होगा, बाहर आएगा, तो ये बनेगा हमारा 3√5। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बना, √45 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बना है हमारा, 3√5, ठीक है। उसके बाद इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। अब 18 के फैक्टर लेने पड़ेंगे, 80 के फैक्टर, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे 80 के फैक्टर निकालेंगे, टू से कितना का 40, देन फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, देन 2 से 5 एंड देन 5 1, ठीक है। ये फैक्टर मिले हमारे हमें 80 के, तो मैं इसको फैक्टर में लिख लेता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो पेयर बनी है, स्क्वायर, ऑर्डर कितना है हमारा 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2, तो पेयर हम कितने नंबर की बनाएंगे, 2 2 की, तो यहाँ पे 2 सेम फैक्टर है, इनकी एक पेयर बनेंगी, यहाँ पे 2 सेम फैक्टर है, तो यहाँ पे एक उनकी पेयर, तो यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा और यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा। या फिर स्टेप बढ़ा के आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो 2 स्क्वायर और यहाँ पे
टू स्क्वायर इंटू फाइव, तो इस स्क्वायर से एक टू बाहर निकलेगा और यहाँ से एक टू बाहर निकलेगा, तो ये बनेगा टू इंटू टू, यहाँ से एक टू और यहाँ से एक टू इंटू, अब यह इसकी पैर नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा रूट फाइव, तो ये क्या बना हमारा फोर रूट फाइव, फोर रूट फाइव। ये किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, रूट एटी का, किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है रूट एटी का। अब ये दोनों सर्ड लाइक सर्ड है या नहीं ये डिसाइड करना है, मैंने क्या बोला था लाइक है या नहीं है ये डिसाइड करने के लिए हमें पहले क्या देखना पड़ता है ऑर्डर, ऑर्डर तो पहले ही सेम था, अब रेडिकेंट देखने पड़ते हैं, जो रूट के अंदर रेडिकेंट होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के बाद, तो वो रेडिकेंट सेम है क्या नहीं वो देखने पड़ते हैं, यहाँ पे फाइव है रेडिकेंट यहाँ पर भी फाइव है, तो ये दोनों क्या है लाइक सर्ड है, दोनों क्या है लाइक सर्ड है। द सर्ड सेड टू बी अ लाइक सर्ड और सिमिलर सर्ड इफ देयर ऑर्डर एंड देयर रेडिकेंट आर इक्वल, मतलब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और रेडिकेंट सेम होना चाहिए तभी उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सिमिलर और लाइक सर्ड। समझ में आया कैसे करना है, लाइक सर्ड है या नहीं ये डिसाइड करने से पहले हमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले, सबसे पहला हमारा स्टेप कौन सा होगा उसे उस सर्ड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो, अगर वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो आप डायरेक्टली उनको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, पर अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो वेदर दिस टू सर्ड्स आर लाइक और नॉट। ओके, तो ये हुआ हमारा लाइक और सिमिलर सर्ड, ठीक है। अनलाइक किसे बोलोगे, जिनका रेडिकेंट और ऑर्डर सेम नहीं होगा उन्हें क्या बोलोगे अनलाइक सर्ड बोलोगे, क्या बोलोगे अनलाइक, जिनका ऑर्डर सेम नहीं है और रेडिकेंट सेम नहीं है तो वो क्या हो गए अनलाइक सर्ड हो गए, वो जनरल आपके इसमें टॉपिक दिया नहीं है अनलाइक सर्ड का, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए समझ लो कि अनलाइक सर्ड क्या होते हैं, जिनका रेडिकेंट और ऑर्डर सेम नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ अ सर्ड, कंपैरिजन ऑफ अ सर्ड, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ सर्ड, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ अ सर्ड। अगर हमें दो सर्ड में से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है उनका अगर कंपैरिजन करना है तो कैसे करते हैं, जैसे हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था कि अगर दो रैशनल नंबर का कंपैरिजन करना है तो हमें क्या करना पड़ता था, पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता था और बाद में हम न्यूमरेटर का कंपैरिजन करते थे और वहाँ से डिसाइड करते थे कि कौन सा वाला नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सिक्स रूट टू फॉर एग्जाम्पल, दो सर्ड है हमारे पास सिक्स रूट टू और फाइव रूट टू, फाइव रूट फाइव। अब इनका कंपैरिजन करना है कि किसकी वैल्यू ग्रेटर है, किसकी वैल्यू ग्रेटर है। मैं आपको दो मेथड बताऊंगा कि दो कंपैरिजन का सर्ड कैसे करते हैं। तो फर्स्ट मेथड में, फर्स्ट मेथड में क्या करना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसको हमें पहले वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी तक क्या करते थे हम, जो सर्ड गिवन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे और वहाँ से डिसाइड करते थे कि वो सर्ड क्या है, अनलाइक है या लाइक है या अनलाइक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस सर्ड को पुराने वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे अगर सिक्स रूट, यहाँ से हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसका रेडिकेंट अलग है, इसका रेडिकेंट अलग है, ऑर्डर भले ही सेम हो लेकिन रेडिकेंट क्या है अलग है, तो यहाँ से हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर सिक्स रूट टू होता और सेवन रूट टू होता तो यहाँ से डायरेक्टली कंपेयर कर सकते थे क्योंकि दोनों के रेडिकेंट और ऑर्डर सेम था रूट टू, तो सिर्फ हमें क्या देखना पड़ता था, ये नंबर सेवन है और यहाँ पे सिक्स है तो ग्रेटर कौन सा होगा, सेवन वाला, तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते थे कि सेवन रूट टू इज ग्रेटर दैन द सिक्स रूट टू। पर यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में रेडिकेंट डिफरेंट है, रेडिकेंट क्या है डिफरेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सिक्स है ये इसे अंदर लेके जाना पड़ेगा, इसे क्या करना पड़ेगा सिक्स को अंदर लेके जाना पड़ेगा और फाइव को भी अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो अंदर लेके जाएंगे तो जैसे हम अंदर से बाहर लेके आते थे तो स्क्वायर का एक ही नंबर बनता था, पर इसे अगर अंदर लेके जाएंगे तो अब उल्टा होगा, क्या होगा
टू इंटू सिक्स स्क्वेयर होगा, सिक्स स्क्वेयर होगा क्योंकि स्क्वेयर होता था जब हम उसे बाहर निकालते थे तो सिंगल नंबर बाहर आता था, अब उल्टा करना है। अब इस सिक्स को अंदर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिक्स स्क्वेयर बनेगा, क्या बनेगा, सिक्स स्क्वेयर। वैसे ही फाइव को अगर अंदर लेके जा रहे हैं तो इसका बनेगा फाइव स्क्वेयर, मतलब ये ऑलरेडी पहला वाला फाइव और ये फाइव अंदर लेके जा रहे हैं इसका फाइव स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, टू इंटू थर्टी सिक्स, सिक्स का स्क्वेयर 36 और यहाँ पे 5 इंटू 25, 5 का स्क्वेयर 25। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो क्या होगा, ये होगा 72, रूट 72 और ये होगा रूट 125, ये होगा रूट 125। अब कौन सा वाला नंबर बड़ा है, कौन सा वाला 125। अब ऑर्डर तो सेम है लेकिन रेडिकेंट में ही कंपेयरिंग करेंगे हम, तो इसका रेडिकेंट कितना है 72 और इसका रेडिकेंट कितना है 125, तो कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर ग्रेटर है 125। लेकिन हमें कंपैरिजन इनका नहीं करना था, कंपैरिजन ये दो नंबर्स का करना था, तो अब ये 125 कौन से नंबर से बना है, 5 रूट 5 से, तो ये नंबर ग्रेटर होगा। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, सिंस 6 रूट 2 इज लेस देन 5 रूट 5, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कंपैरिजन ऑफ अ सर्ट, क्या करता है, क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म को हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं सर्ट के और बाद में उसे डिसाइड करते हैं कि वो सर्ट कौन सा सर्ट ग्रेटर है और कौन सा लेस है, ठीक है। ये समझ में आए मेथड, ये समझ में आए मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड एकदम ईजी है, सेकेंड मेथड में सिर्फ क्या करना है, स्क्वेयरिंग करना है, क्या करना है, स्क्वेयरिंग, क्या करना है सेकेंड मेथड में, मेथड टू में, मेथड सेकेंड दोनों को स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग ऑफ अ सर्ट, दोनों को, दोनों की स्क्वेयरिंग कर दो। मैं सिक्स रूट टू की स्क्वेयरिंग कर देता हूँ और यहाँ पे 5 रूट 5 की स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, ये उससे भी इजी वाला मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वेयर, अब दोनों का हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दोनों में, तो 6 का स्क्वेयर कितना होगा 36 इंटू ये रूट 2 और स्क्वेयर क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, बराबर है ना, रूट 2 और उसका स्क्वेयर, तो ये दोनों के साथ रूट के साथ स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पे 36 इंटू 2। सिमिलरली 5 का स्क्वायर 25 और इस रूट के साथ स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल, मतलब 5, ठीक है। ये बनेगा 72, ये बनेगा 125, कौन सा नंबर ग्रेटर है 125 वाला, किस नंबर से बना है, ये नंबर से, तो हम बोल सकते कि 6 रूट 2 इज लेस देन 5 रूट 5। सो दिस इज द कंपेरिजन बिटवीन टू सर्ट, कंपेरिजन बिटवीन टू सर्ट, फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हो या फिर सेकेंड मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। एकदम ईजी है कंपेरिजन बिटवीन टू सर्ट्स, कंपेरिजन बिटवीन टू सर्ट्स, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन अ सर्ट, ऑपरेशंस ऑन अ सर्ट, ऑपरेशन ऑन सर्ट, ऑपरेशन। अब ऑपरेशन कौन से, हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब आज तक हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, बाद में पढ़ा रैशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं। आज हम पढ़ने वाले कि सर्ट का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब एडिशन करते समय या फिर सब्ट्रैक्शन करते समय मान लो अगर रेडिकेंट और ऑर्डर सेम है, ऑर्डर तो सेम ही दिया रहेगा लेकिन अगर रेडिकेंट सेम है तो वो ईजिली क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। जैसे 7 रूट 3 और दूसरा है 3 रूट 3, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें एडिशन करना है, ये दो सर्ट का हमें एडिशन करना है। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है और रेडिकेंट भी दोनों के सेम है, तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्टली हो जाता है 7 रूट 3 प्लस
थ्री रूट थ्री। ओके, अब रूट थ्री और रूट थ्री कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, सेवन प्लस थ्री और रूट थ्री दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये दोनों से कॉमन थी, ये बनेगा टेन रूट थ्री। क्या किया हमने, जो आगे वाले नंबर थे उनका सिर्फ एडिशन कर दिया और रेडिकेंट और ऑर्डर सेम था तो ये हमने इसे कॉमन ले लिया। जैसे हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में करते थे 2x प्लस 3x, तो क्या होता था, x कॉमन ले लेते 2 प्लस 3 और x कॉमन दैट इज 5x, ऐसे ही बोलते थे ना। x क्या है, कॉमन है, x मान लो ये वाला पोर्शन क्या है, x है मान लो, वैसे ही जैसे हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में करते वैसे ही यहाँ पे करेंगे, वैसे ही सेम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन भी सेम ही होगा, सब्सट्रैक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है, सेवन रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री, तो क्या होगा, सेम, सेवन माइनस थ्री और रूट थ्री कॉमन, तो ये बन जाएगा फोर रूट थ्री, फोर रूट थ्री। ठीक है, समझ में आया, कब, जब उनका ऑर्डर और रेडिकेंट क्या हो, सेम हो, तो आप इजीली उनका एडिशन कर सकते हो या फिर सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है कि रेडिकेंट सेम नहीं होते, ऑर्डर सेम होता है लेकिन रेडिकेंट सेम नहीं होते। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एट रूट फाइव प्लस रूट ट्वेंटी, ठीक है, अब इनका एडिशन करना है, अब इनके रेडिकेंट सेम है क्या, इनके रेडिकेंट सेम है क्या, नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, इनके एडिशन नहीं कर सकते, तो इसे जो रेडिकेंट सेम नहीं है तो वहाँ पे देखना है कि उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, अगर होता है तो उसे करना है, अगर वो नहीं होता तो हम उनका एडिशन नहीं कर सकते, उनका एडिशन नहीं कर सकते। मान लो एट रूट फाइव है प्लस सेवन रूट थ्री है, अब इनको हम सिंपलेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, रूट थ्री को फिर से सिंपलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं, इनके रेडिकेंट क्या है, अलग ही है, तो इनका एडिशन नहीं होता, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इनका एडिशन नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे केस में कोई रेडिकेंट सेम नहीं है तो वहाँ पे हमें क्या देखना है, फर्स्ट कि उसको हम सिंपलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते है क्या। ठीक है, अब 20 को सिंपलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 20 के फैक्टर्स निकालो, 2 10 ओके, बाद में फिर से 2 5 फिर 5 1, तो इसके फैक्टर निकल गए, तो 8 रूट 5 प्लस 20 को क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, अब इनका पेयर बन रहा है, ऑर्डर कितना है, 2 है और हम 2 का पेयर बनाएंगे, तो 8 रूट 5 प्लस, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5, अब स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 रूट 5 प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा और ये बनेगा रूट 5, 2 रूट 5, ये 2 क्या हमने बाहर निकाल लिया, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल। अब देखो इनके दोनों के ऑर्डर और रेडिकेंट सेम हो गए, अब हम इसे ऐड कर सकते हैं, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, दैट इज 8 प्लस 2 रूट 5, अब रूट 5 कॉमन ले लिया, अब ये बन जाएगा हमारा 10 रूट 5, दिस इज अवर एडिशन। वैसे ही क्या करना है, सब्सट्रैक्शन भी करना है, वैसे ही क्या करना है, सब्सट्रैक्शन, समझ में आया, एडिशन कैसे करते हैं, अगर कोई नंबर के रेडिकेंट सेम नहीं हो तो सबसे पहले उस नंबर को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे कन्वर्ट करना है, अगर कन्वर्ट करने के बाद भी उनके रेडिकेंट सेम नहीं आते तो उनका एडिशन नहीं हो सकता, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद हमें कुछ ऐसे मिलेगा, उनके रेडिकेंट क्या होंगे, सेम होंगे, तब हम उसे एडिशन कर सकते हैं और उसका सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, अब जैसे हमने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था, 2x प्लस अगर 3x करते हैं तो यहाँ पे x हम कॉमन ले लेते हैं और 2 प्लस 3 और x कॉमन दैट इज़ अवर 5x, ऐसे करते थे, बराबर है, लेकिन अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो,
अगर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसे मल्टीप्लाई करना हो तो कोएफिशिएंट के साथ कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता था और वेरिएबल के साथ वेरिएबल का होता था, जैसे 2 × 3 = 6 एंड x × x = x2। ऐसे करते थे, बराबर है 2 × 2 = 6 एंड x × x = x2 होता था, बराबर है। मतलब कोएफिशिएंट के साथ कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन और वेरिएबल के साथ वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्ड में भी करना है, यहाँ पर हमें सर्ड में भी मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करना है। जैसे मान लो 6√3 है × 2√5। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो जैसे हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में करते थे, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, तो यहाँ पे 6 × 2 करेंगे, 6 × 2 एंड ये रूट में है तो ये दोनों का रूट में ही मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 × 5 एंड दिस इज अवर 12 एंड दिस इज 15। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा। एडिशन में ऐसे नहीं होता था, सिर्फ हम जो रेडिकेंट सेम है उसे कॉमन ले लेते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, इसका इसके साथ करना है और रूट वाले का रूट वाले के साथ करना है। ठीक है, समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बोला था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन करना है 7 √7 × 42। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आगे तो कुछ है ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली अंडर रूट के अंदर ही उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7 × 42। ठीक है, अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये देखना है, यहाँ पे हमें डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने की कोशिश ही करनी है, उसका आंसर मल्टीप्लिकेशन का हमेशा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नंबर है मल्टीप्लिकेशन के उसके पूरे फैक्टर निकाल दो तो कितना होगा, 7 × 42 के अगर फैक्टर निकालते तो 7 × 6 = 42 होता है। ठीक है, तो 6 को अगर हम 3 × 2 लिख सकते हैं, लेकिन कहाँ पर भी पेयर नहीं बनती तो उसे 6 ही रहने दो। तो यहाँ पे एक पेयर बन रही है 7 की, पहला वाला 7 और यहाँ से एक 7, तो ये 7 हम क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे 7² × 6, तो ये 7 के निकलेगा बाहर, तो 7√6 ये क्या होगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना मिला हमें 7√6। ऐसे करना है मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करना है मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली डिवीजन, डिवीजन मान लो √125 डिवाइडेड बाय √5 या फिर 25 ले लो, 25 √25। अभी एक एग्जांपल है, इनका डिवीजन करना है, दोनों रूट में है तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो √125 / 25 / 25। अब 25 × 5 = 125, तो ये बनेगा √25, ये मिलेगा हमें आंसर। या फिर ऐसे कर सकते हो, दूसरी मेथड है, जिन दोनों को स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग अगर किया तो √125 ² और यहाँ पे √25 ². अब स्क्वेयरिंग के साथ स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी तो यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा 125 और नीचे रहेगा 25, तो हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा, क्या मिलेगा 5। सॉरी ये मेथड गलत है, ये ही सही है, ऐसे ही करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, रूट है तो यहाँ पे सीधा क्या करना है आपको, यहाँ पे डिवीजन करना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन ऑफ अ सर्ड। ठीक है, तो ऐसे आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना है। जो यहाँ पे देखो ये दोनों रूट में है तो हमें दोनों को रूट में ही लेना है, 125 / 25,
तो इसका कितना आएगा 5, तो ये रूट 5। जैसे मैंने सेकंड मेथड कर सकते हैं क्या, इनको स्क्वेयरिंग करके उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमारा आंसर 5 आया था, तो 5 इज़ अ रॉन्ग आंसर। हमें कितना आना चाहिए, रूट 5 ही आना चाहिए। तो ऐसे हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीज़न करना है, ठीक है। देन लास्ट टॉपिक है हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ अ नंबर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ नंबर और रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपको इसी बेसिस पे जितना हमने अभी तक पढ़ा है सर्ड के बारे में, सर्ड क्या होता है, और उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड, कंपैरिजन ऑफ सर्ड, ठीक है, और उसके बाद हमने ऑपरेशन ऑन सर्ड, तो ये सारे टॉपिक पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 बेस्ड है, ठीक है। तो आपको वो क्या करना है, सॉल्व करनी है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एकदम इजी प्रॉब्लम है, आपको ये टॉपिक से आ जाएंगे, और इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, क्यूरीज होंगी, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो आपको वो एक्सरसाइज घर से सॉल्व करनी है, ठीक है। थैंक यू।